हेलो एंड वेलकम टू मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो लास्ट वीडियो हमने कवर किया था स्टैंडर्डाइजेशन, देन कंप्यूटिंग कोवेरियंस मैट्रिक्स। इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है कि लास्ट वीडियो में हमने किस तरह से कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे इगन वेक्टर एंड इगन वैल्यू। तो इसके पहले आप प्रोग्राम को देख लीजिए कि थोड़ा आपको रिकॉल हो जाएगा कि किस तरह से हम एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लिमिटेड कर सकते हैं विद फ्यू वेरिएबल्स, जो कि काफी मीनिंगफुल कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि पीसी का जो वैल्यू हम मैंने दिया हुआ है, मीन्स एन कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं 2। तो यदि मैं नन वैल्यू देता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमें पीसी मिलता है, जो नंबर ऑफ कंपोनेंट मिलते हैं, वो उतने ही मिलते हैं जितने हमारे पास फीचर्स है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हमें 2 कॉलम्स मिलेंगे, मीन्स 2 पीसीए मिलेंगे। उसके बाद हमें फिर कॉल करना है फिट ट्रांसफॉर्म मेथड, जिसमें हम ओरिजिनल मैट्रिक्स को पास करते हैं। तो उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो हमारी होती है एक लिमिटेड कॉलम्स के साथ। कॉलम्स को हम रीनेम कर सकते हैं। अभी जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हमारे पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसी को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। लेकिन अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये PCA1 कॉलम किन कॉलम्स को बिलोंग करता है या किस कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो PCA1 में हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का रिजल्ट होता है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम पीसीए कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस फॉर्मूले के थ्रू कोवेरियंस को कैलकुलेट करना दिखाया था कि किस तरह से हम कोवेरियंस निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन है ए, यहां पर हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, -1 का मैट्रिक्स है इंटू ओरिजिनल मैट्रिक्स, देन 1/5, 5 यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। तो जो भी हमें मैट्रिक्स मिलता है उसको ट्रांसपोज कर दीजिए आप। इस ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है उसका वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, मीन्स कॉलम्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं रोज में एंड मल्टीप्लाई विद द सेम थिंग। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो होता है कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो ये 2 तरीके हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। अभी इसी मैट्रिक्स को हम यूज करने वाले हैं इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है A-λI। A यहाँ पे हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स है, -λ, लेमडा हमारे पास एक स्केलर है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। स्केलर मीन्स इगन वैल्यूज जो कि हमें मिलने वाली है। I यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो इस इक्वेशन को यूज करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो ये होती है। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं, फर्स्ट वैल्यू जो आप लीजिए उसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन इस वैल्यू को लेना है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मीन्स हमें उस रो एंड उस पर्टिकुलर कॉलम को इग्नोर करना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है इन दोनों को इग्नोर करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2400 इंटू 1400 -λ एंड माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1200 इंटू -1400। तो इसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलती है वो इस तरह से होती है। उसको और थोड़ा आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये इक्वेशन हमें मिलती है, तो इसमें हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। लेमडा की जो वैल्यू निकल के आती है वो ये है, 3 वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू किस तरह से हमने निकाली है उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अभी क्या करना है, इन्हीं तीनों वैल्यूज के साथ, इनको हम बोलते हैं इगन वैल्यूज, इन्हीं इगन वैल्यूज को हम शॉर्ट करते हैं, मीन्स मैक्सिमम वैल्यूज को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन है जिसके थ्रू हमें इगन वेक्टर मिलने वाला है। ए यहाँ पे फिर से कोवेरियंस मैट्रिक्स है, वी यहाँ पे एक इगन वेक्टर है जो कि हमें मिलने वाला है, एक अननोन
अननोन मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं, इक्वल्स टू लेमडा वी। लेमडा यहाँ पे वो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किए, तो इस इक्वेशन में आप इनको पुट कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को मैं यूज करता हूँ इस तरह से, तो लेमडा की वैल्यू है इस जो सबसे ज़्यादा है उसको हमने पहले यूज़ किया है। तो इसी क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हो तो हमें x1, x2, x3 की थ्री वैल्यूज मिलती है। तो वही हमारा होता है फर्स्ट इगन वेक्टर फॉर गिवन इगन वैल्यू, मींस हर इगन वैल्यू के लिए हमें एक इगन वेक्टर मिलने वाला है। यदि हमारे पास थ्री इगन वैल्यू है तो हमें थ्री इगन वैक्टर्स मिलेंगे, और जो हाइस्ट वैल्यू है वही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। इसी फर्स्ट वेक्टर में या फिर इस फर्स्ट कंपोनेंट में हमें ओरिजिनल डेटा की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से हमारे पास थ्री इगन वेक्टर्स मिलने वाले हैं, या फिर थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, मींस इगन वेक्टर ही प्रिंसिपल कंपोनेंट है। थ्री वेक्टर्स मिलते हैं, तो इसको एक मैट्रिक्स में मैं डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने कि n कंपोनेंट इक्वल्स टू 2 लिया था, तो अभी मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को कंसिडर करूँगा, तो हमें ये एक मैट्रिक्स मिलता है, मींस एक मैट्रिक्स जिसमें कि दो इगन वेक्टर्स है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल के आता है। अभी क्या करना है, अभी जो मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आया है इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं विद ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो कि आपने प्रोग्राम में देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रोग्राम, जिसमें कि मैं फिट ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करता हूँ विद ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो सेम यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, ये फिट ट्रांसफॉर्म मेथड है, इसमें इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा और फाइनली मैं एक मैट्रिक्स मिलता है के इक्वल्स टू 2 के लिए। तो इस तरह से हमें एक फाइनल मैट्रिक्स मिलता है जो कि एक प्रिंसिपल कंपोनेंट्स से बना हुआ मैट्रिक्स होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैंडर्डाइजेशन को यूज़ नहीं किया है, ताकि आप समझ सको कि किस तरह से ये कैलकुलेट होता है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन में या फिर फीचर स्केलिंग में जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो उस केस में आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाता है, ट्रेंडिंग टाइम आपका काफ़ी कम हो जाता है। उस केस में हमें इस तरह का आउटपुट मिलता है। अब इस आउटपुट के साथ आप आगे फिट मेथड यूज़ कीजिए, आगे फिर प्रिडिक्ट कीजिए। तो अभी आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि PCA क्या होता है, कितना यूजफुल फीचर है मशीन लर्निंग का। तो यदि इसमें आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने क्यूरीज डाल सकते हो। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।